चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान और सबसे खूबसूरत अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन को पर्दे पर एक साथ देखने के लिए ना जाने कितने लोग बेताब हैं। संजय लीला भंसाली एक बार फिर से इन दोनों कलाकारों को अपनी आगामी फिल्म पद्मावती में लेना चाह रहे थे, लेकिन ऐश्वर्या राय की एक मांग ने संजय के साथ कई फैंस की चाहत पर भी पानी फेर दिया। ऐश्वर्या राय की मांग थी कि इस फिल्म में काम वो तभी करेंगे जब सलमान खान इसमें अलाउद्दीन खिलजी वाला रोल करेंगे। सलमान खान को यह बात खटकी और संजय ने इन दोनों को लेने के विचार से ही ड्रॉप कर दिया। खैर इससे किस्मत कहें या कुछ और, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद भी एक बार फिर से सलमान और ऐश्वर्या राय का आमना सामना सीधे बॉक्स ऑफिस पर होने जा रहा है। जी हाँ, ये दोनों एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर टकराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमेशा की तरह अगले साल की ईद भी सलमान खान के नाम हो चुकी है। उनकी आगामी फिल्म रेस 3 अगले साल ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो वहीं यह खबर सामने आ रही है कि ऐश्वर्या राय की फन्ने खान भी अगले साल ईद के मौके पर ही सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय के अलावा अनिल कपूर और राजकुमार राव भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के प्रोड्यूसर ने बताया कि रिलीज करने के लिए ईद से बेहतर कोई और मौका नहीं हो सकता है, इसीलिए फन्ने खान अगले साल ईद के मौके पर रिलीज किया जाएगा। खैर, अब दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक साथ रिलीज हो रही है तो सबसे बड़ा सवाल यही जहन में आता है कि आखिरकार जीत किसकी होगी बॉक्स ऑफिस पर। जबकि बॉक्स ऑफिस पर दो बड़े सितारों की फिल्म एक साथ रिलीज होती है तो किसी एक का फिल्म थोड़ा नुकसान जरूर देता है, क्योंकि दर्शक बट जाते हैं और जो फिल्में बड़ी होती है उसे खूब मुनाफा मिलता है। क्या ऐश्वर्या राय की फन्ने खान और सलमान खान की रेस 3 को एक साथ रिलीज करने का फैसला सही साबित होगा?